17 दिन पहले शादी के लाल जोड़े में अपने जीवन साथी के साथ देपालपुर में अपने घर से विदा हुई बेटी को क्या पता था कि मैं जिसे अपना भगवान समझकर उसके चरणों की दासी बनकर जा रही हूँ, वही मेरा कातिल बन जाएगा। कातिल ने आखिरकार नगर की बेटी अंजलि यादव को दर्दनाक मौत देकर परिजनों से दूर कर दिया। मामला 4 दिन पहले का है, जहां देपालपुर नगर की बेटी उसके ससुराल महू में पति विक्रम पिता महेश यादव ने हत्या कर दी एवं अपने आप को घायल कर लिया। वहीं पूरा परिवार हत्या के बाद फरार हो गया था। नगर में जिसे भी समाचार का पता चला, पूरे नगर की जनता की आंखों में आंसू व मन में आक्रोश फूट पड़ा। बेटी की अंतिम विदाई में जहां पूरा नगर उमड़ गया था, तो वहीं आज बेटी के उठावना के समय प्रेस क्लब देपालपुर के एक छोटे से आवाहन पर नगर के हजारों लोग भाजपा, कांग्रेस, 24 अवतार मंदिर ट्रस्ट, नगर परिषद, जबरेश्वर सेना, सर्व समाज, शिक्षक संघ, मेडिकल संघ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यादव समाज कैंडल लेकर अपनी बहन बिटिया अंजलि को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां नगर के मुख्य चमन चौराहे पर शहीद भागीरथ सिलावट प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई। बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों महिलाएं भी मौजूद रहीं। इस दौरान जनता ने आरोपी परिवार को फांसी के साथ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। बेटी अंजलि के साथ जो हादसा हुआ है बहुत ही दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पूरा देपालपुर और देपालपुर क्या पूरे देश की हर बेटी, हर माँ, हर बहन और हर बेटी का पिता बहुत सदमे में है। हत्यारों को भगवान सद्बुद्धि दे, उन्हें फांसी की सजा मिले और इस प्रकार को उनको दंड मिले कि जिस जैसा इस बेटी के साथ हुआ है ऐसा किसी अन्य बेटी के साथ कोई करने के पहले सोचे तो उसकी रूह कांप उठे। हम देपालपुर नगर की ओर से बेटी को बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। चिंटू, अंजलि के साथ बेहद ही दुखद घटना हुई और हम देपालपुर प्रेस क्लब की ओर से इसकी निंदा करते हैं तथा शासन एवं प्रशासन से उसके लिए न्याय की मांग करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र जो दोषी लोग हैं, जो इसके हत्याकांड में शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की सजा देने की मांग करते हैं। नगरवासियों ने आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए नगर में कैंडल मार्च निकाला और सभी गणमान्य नागरिकों ने भी मांग की है कि शासन उसको कड़ी से कड़ी सजा देकर अंजलि की आत्मा को शांति मिले, ऐसे प्रयास होना चाहिए। आपका नाम? संतोष जोशी। यत्र नार्यत्यु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। हम उस संस्कृति के वाहक है कि जहां शास्त्रों में लिखा है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भी रमण करते हैं, लेकिन यह हमारे नगर, हमारे राज्य ने हमारी संस्कृति के लिए भी शर्म की बात है कि आज एक हमारी बेटी को विवाह के शायद 17 दिन के पश्चात मौत के घाट उतार दिया गया है। हम किस समय जी रहे हैं और किस शर्मनाक समाज में जी रहे हैं। उस संतान पे, उसके माँ बाप भी जिसने ये कृत्य किया है वो भी दुखी होंगे और इसके पीछे जो भी सत्य है, जो असली हत्यारा है, उसको हमारे संविधान में उपलब्ध कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत मानना तो यह है कि इनके साथ जो हैदराबाद में हुआ है ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि संविधान के अनुसार जो भी कड़ी से कड़ी सजा है वह उस हत्यारे को मिले। और राजेंद्र चौधरी और देपालपुर से यूडी न्यूज के लिए राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट।